ट्रेंडिंग प्लेसेस के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुर्की के मशहूर गलाता टावर की। गलाता टावर या वर्तमान आधिकारिक नाम गलाता कुलेसी संग्रहालय के साथ इस्तांबुल तुर्की के बेयोग्लू जिले में एक टावर है। इसका नाम उस तिमाही के नाम पर रखा गया है जिसमें यह स्थित है, गलाता। गलाता टावर ने शहर की दीवारों के अंदर से उत्कृष्ट निगरानी प्रदान की और इसका महत्वपूर्ण सैन्य महत्व था। सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिकेंट के शासन के दौरान जेल में परिवर्तित होने से पहले इसे बाद में तुर्क साम्राज्य के दौरान आग का पता लगाने वाले टावर के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। दुनिया के सबसे पुराने टावरों में से एक माना जाता है और इस्तांबुल के प्रतीकों में से एक गलाता टावर गलाता कुलेसी को 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थायी सूची में शामिल किया गया था। गलाता टावर का निर्माण सबसे पहले बीजांटिन सम्राट जस्टिनियानोस ने 507-508 ईस्वी में किया था। जैनो इसने 1348-49 में वर्तमान टावर का पुनर्निर्माण किया। टावर 1445 और 46 साल के बीच उठाया गया था। यह 1500 के भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था और वास्तुकार मुराद बिन हेरेडन द्वारा मरम्मत की गई थी। सेलिम अवधि के दौरान टावर की मरम्मत के बाद टावर की ऊपरी मंजिल में एक बे खिड़की जोड़ दी जाती है। 1831 में टावर में एक और आग लग गई। महमूद टावर के ऊपर दो और मंजिलें उठता है और टावर का शीर्ष प्रसिद्ध शंकु के आकार के छत के कवर से ढका हुआ है। इमारत की आखिरी बार 1967 में मरम्मत की गई थी। गलाता टावर को चिनाई वाले मलबे के पत्थर प्रणाली में बनाया गया था। बाहरी पत्थर की जाली है। दरवाजे के ऊपर गोल धनुषाकार खिड़की सैनिकों की तलाश में थी। यह ऊंचे भूतल के बाद 9 मंजिला इमारत है। बेलनाकार शरीर पर खिड़कियां ईंट बुना गोलाकार मेहराब हैं। शंकु छत के ठीक नीचे अंतिम 2 मंजिलों के विकास पर बेलनाकार शरीर के आसपास के प्रोफाइल मोल्डिंग द्वारा जोड़ दिया गया है। शंकु छत के नीचे फर्श के चारों ओर धातु के अलंकृत नेटवर्क के साथ एक अवलोकन बालकनी है। निचली मंजिल पर गहरे आला खंभों पर बैठे गोल मेहराब और ईंट से बुने गोलाकार धनुषाकार खिड़कियां हैं। आज यह देखा गया है कि तीसरी मंजिल तक की इमारत के हिस्से में एक जैनोइस चरित्र है और अन्य मंजिलों में एक तुर्क चरित्र है। इमारत का उपयोग आज प्रदर्शनी क्षेत्रों के साथ एक संग्रहालय के रूप में किया जाता है। गलाता टावर संग्रहालय और परिवेश सामाजिक गतिविधियों और नए शहर में एक व्यस्त सांस्कृतिक केंद्र होने के लिए जाना जाता है, जो इस्तांबुल में आपके समय को असाधारण बनाने के लिए स्मारकों, अनुभवों और स्थलों का ढेर समेटे हुए है। प्राचीन स्मारकों से लेकर शॉपिंग मॉल और कैफे तक गलाता पड़ोस में यह सब है। जब आप यहाँ हो तो यात्रा करने और सराहना करने के लिए आवश्यक स्टॉक की व्यापक उल्टी गिनती के लिए और अधिक अन्वेषण करें। इस्तांबुल के लिए न केवल एक मील का पत्थर बल्कि शहर को देखने या सूर्यास्त को पकड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक है। आशा है आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सभी वीडियो देखते रहें।